हाय फ्रेंड्स, मनी मेकर में आपका बड़े दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले टाटोर्स 487 पे ट्रेड कर रहा है दोस्तों, 485 में भी डीप लगाया हुआ है। तो एक ऐसा सेगमेंट है, ऐसा प्राइवेट व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग मोटर्स कंपनी है दोस्तों, जो इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट कंपनी है। आप देख सकते हो डोमेस्टिक बिजनेस कंटिन्यू टू आउट ग्रो इन ग्लोबल बिजनेस और हाईएस्ट क्वार्टरली नेट सेल्स 22,300 करोड़ का इसका दिसंबर क्वार्टर का फाइनेंशियल है दोस्तों 2021 का। तो बेस्ट और सबसे बड़ा चौंकाने वाला चीज़ देखो, पैसेंजर व्हीकल में इस बार प्रॉफिट हुआ है। क्वार्टर वन फ्लाइंग फाइनेंशियल ईयर 2018 के बाद इस बार जाके पैसेंजर व्हीकल में आपको प्रॉफिट हुआ है। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसलिए सबसे ज़्यादा बायर जो है, सबसे ज़्यादा बाइंग इन द प्राइवेट पैसेंजर्स व्हीकल्स, पैसेंजर डोमेस्टिक प्राइवेट व्हीकल्स एंड बिजनेस रिपोर्टेड प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। आप देख सकते हो कि 835 करोड़ इन क्वार्टर थ्री फाइनेंशियल ईयर 2022 अगेंस्ट ए लॉस बुक एंड करोड़ द कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट एंड हाउएवर द रिपोर्टेड लॉस ऑफ 77 करोड़ ड्यू टू पेंडेमिक दिस सिचुएशन हैज बीन ऑकर। तो जो कॉन्ट्रैक्ट जेलर डिविजन्स विच स्टील अकाउंट फॉर 2/3 ऑफ टाटा मोटर एंड कंसोलिडेटेड नेट सेल्स इज फेसिंग से स्लो डाउन ड्यू टू द सेमी कंडक्टर चिप्स शॉर्टेज। तो ये बहुत जल्द, तो फ्रेंड ये बेस्ट स्टॉक है, आप देख सकते हो, हैज टू फार बीन्स वन ऑफ द बेस्ट डोमेस्टिक ऑटोमोटिव स्पेशली सेगमेंट पे। और साथ से एक्विजिशन ऑफ जेलर का देख सकते हो, शॉर्टेज का जो भी सीन है वो टाटा एलेक्सी पूरा कर दे रहा है दोस्तों। तो टाटा एलेक्सी आपका चिप का और ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाला है, इसलिए वो स्टॉक भी आगे बढ़ने वाला है। तो रोबस्ट डिमांड है, रोबस्ट जो मोस्ट एनालिसिस एक्सपर्ट का देख सकते, और सबका सेल बढ़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि जनवरी 2022 का देख लो, 13,000 टाटा नेक्सॉन सेल हो चुका है, 10,005। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, और इसी बेस्ट अपॉर्चुनिटी के साथ बहुत सारा इन्वेस्टर पहले से बाई करके रख दिया है। और आप अगर देखोगे तो सबसे ज़्यादा बाई करने वाला आज का अगर स्टॉक देखा जाए तो टाटा मोटर्स है। इंटेंसिव लुक थोड़ा सा ज़्यादा है, एंट्री पॉइंट गुड है, और AGM ASM लिस्ट में भी नहीं है। 71% एनालिसिस अभी भी बाइंग का राय दे रहा है दोस्तों, क्योंकि इनके भी बहुत सारा सेगमेंट देखने के बाद ये बाइंग अपॉर्चुनिटी बाइंग राय देता है दोस्तों। और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है ये स्टॉक, ये कहने का कुछ ज़रूरत है नहीं। लो प्लेस प्रमोटर होल्डिंग है, और बहुत अच्छा बात, और एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा एंट्री लेवल हो सकता है। 550 इसका पैर रहने वाला है दोस्तों, और वो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपको अचीव होता हुआ दिखेगा। जहाँ भी निफ्टी थोड़ा सा आपका रिबाउंड करेगा, ये टारगेट अचीव होता दिखेगा, 173,900 करोड़ का। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, और बहुत 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 आपका ROC देख सकते हो, 5.82% है ROE, थोड़ा सा कम है कि पैंडेमिक द्वारा। अब देख सकते हो 50 डेज, ये स्टॉक 50 डेज को ये सपोर्ट लेता है तो तब भी ये ऊपर बढ़ता है और अपना न्यू हाई को टच करता है। तो एक्सपेक्टेड टू अच्छा क्वार्टर रिजल्ट है। तो ये लीवर पोर सेल्स थोड़ा बहुत, और पैंडेमिक क्वार्टर में ऑल्ट आएगा, क्योंकि पैंडेमिक धीरे धीरे खत्म होने को आए दोस्तों, और हु की तरफ से भी है 2022 तक ये खत्म हो जाएगा। ऑपरेटर में 3% के बढ़ोत, अदर इनकम में भी आप थोड़ा बहुत कम हुआ है क्योंकि वर्क नहीं कर पाया इसका। आने वाले क्वार्टर में उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट का और ज़्यादा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। तो ये है बहुत अच्छा और वेल फंडामेंटल टाटा के मेंटल और वेल टेक्निकल एनालिसिस टाटा मोटर्स के ऊपर। आपका राय हो सकता है, ऐसे वीडियो लाने के लिए आप सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और मोटिवेशन करो। तो और अच्छा अच्छा स्टॉक के ऊपर और कौन से स्टॉक में वीडियो लेके आऊँगा। रिटर्न ऑन इक्विटी देख सकते हो, या अभी माइनस में इसका नया फ्रेश डाटा आया नहीं है। बहुत टाइम से इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन पेंडिंग पे चला गया था, पेंडिंग में ड्यू टू ये लॉकडाउन, ये आपका जितने भी आपका कस्टमर है उनको प्रोवाइड नहीं कर पाए थे, इनके कस्टमर कम पड़ रहे थे, बहुत सारा वर्क ये होम एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है दोस्तों बाय करने के लिए। और ऐसे वीडियो लाने के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो। CAGR देख सकते हो 1 ईयर में 47% का है, जो फिलहाल बहुत अच्छा माना जाता है कोई भी स्टॉक के लिए। और कंपाउंड सेल्स ग्रोथ भी 29% है। तो ये मोटर सेक्टर में अगर मारुति को छोड़ दिया जाए तो टाटा मोटर्स एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और अदर एसेट का भी आप देख सकते हो, टोटल लायबिलिटी भी आपका चार्ट दिखाया है, फिक्स्ड एसेट का भी इसका 1,38,000, जो दूसरे बहुत सारा स्टॉक से इसको डिफर और बहुत बढ़िया बनाता है दोस्तों।